यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और प्रश्नकाल के बाद सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट। औद्योगिक विकास और किसान पर सरकार का फोकस। त्वरित आर्थिक विकास के लिए अलग पैकेज। सड़कों की मरम्मत के लिए बजट आवंटन की संभावना। 15 लाख टैबलेट खरीद के लिए बजट की व्यवस्था। वित्त वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट होगा पेश। औद्योगिक विकास और किसान पर सरकार का फोकस, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। त्वरित आर्थिक विकास के लिए अलग पैकेज निहित किया गया है। तो 60 किलोमीटर के नए लिंक के लिए प्रावधान है। 60 किलोमीटर लंबे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्लान है। 30 औद्योगिक गलियारों की स्थापना के लिए प्रारंभिक राशि दी जाएगी। गन्ने के बकाया भुगतान के लिए पैकेज लाने की संभावना भी है। थाने में महिला डेस्क के लिए बजट के आसार बनाए जा रहे हैं। नए मेडिकल कॉलेज के लिए भी प्रावधान हो सकता है। तो किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की संभावना। त्वरित आर्थिक विकास के लिए अलग से पैकेज। सड़कों के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटन की संभावना। 15 लाख टैबलेट खरीद के लिए बजट की व्यवस्था और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रावधान होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने का प्रावधान है और इसके अलावा 60 किलोमीटर के नए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए प्रावधान किया जाएगा। तो नई नियमावली को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है और विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और इस दौरान अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। शुभम पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शुभम, अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इस दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि आज अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश की सरकार सदन में पेश करेगी और इस दौरान विपक्ष जो कि कल से इसको लेकर के अपनी तैयारियां कर रहा था, क्योंकि विधानसभा के तमाम नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत मोबाइल फोन और बैनर और प्ले कार्ड इत्यादि ले जाना पूरी तरह से इस पर बंदी की गई है। तो लिहाजा अलग अलग तरीके से कल भी जैसे कि देखा गया, समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक थे वो काली पोशाक में नजर आए थे विरोध जताने के लिए। लिहाजा उसी पैटर्न पे आज भी समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में दिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अनुपूरक बजट आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पेश करेगी। इस बजट में क्या कुछ प्रमुख चीजें रहेंगी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, काशी विश्वनाथ और उसके साथ साथ मथुरा, ये तमाम ऐसी जगहें जिनको और भी ज्यादा भव्य और अलौकिक बनाने के लिए बजट में कई सारे अलग अलग प्रावधान किए जा सकते हैं। लिहाजा आज ये अपने आप में काफी ज्यादा अनुपूरक बजट अहम भी है और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर के नए लिंक एक्सप्रेसवे की का प्रावधान है। 4 लेन के 14 किलोमीटर लंबे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, कई सारे एक्सप्रेसवेज को भी आपस में लिंक करने का, जिससे कि जो बाहर के तमाम यात्री आए उनको किसी भी तरह से एक से दूसरे शहर जाने में सड़क के माध्यम से कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो इससे संबंधित भी कई बड़े अहम प्रस्ताव एक्सप्रेसवे से संबंधित, एक्सप्रेसवे लिंक से संबंधित आने की संभावना है। लिहाजा अपने आप में काफी ज्यादा ये बजट खास होने वाला है। लेकिन हमेशा की तरफ जो विपक्ष की तरफ से उम्मीद, यही जो तमाम मंत्रियों से भी जो हमारी बातचीत थी, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जिस हिसाब से कल जो काली पोशाक में जो तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक नजर आए थे, एक तरफ जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जो सदन में जो पूर्व जो विधायक रहे जिनका निधन हो गया उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उस दौरान भी उनका जो विपक्ष के जो तमाम विधायक उनकी तरफ से अपनी बात रखने का प्रयास किया जा रहा था, उनका साफ तौर पर कह रहा था कि ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश नहीं है और एक अच्छी चीज नहीं है। तो लिहाजा आज उनकी तरफ से भी यही उम्मीद है कि शांतिपूर्ण ढंग से सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद जो अनुपूरक बजट पर क्या चर्चाएं होनी है, किन मुद्दों पर विपक्ष को अपनी बात रखनी है और किन सवालों के जवाब सरकार को देने, ये पूरी तरह से तय हो। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात होगी और 15 लाख टैबलेट भी खरीदे जा सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है शुभम, और तमाम नई योजनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा और पहला अनुपूरक बजट हम कह सकते हैं 2023-24 का ये होने वाला है।
निश्चित तौर पर देखिए पहला अनुपूरक बजट है और अनुपूरक बजट के माध्यम से आप समझिए कहीं ना कहीं हर एक चीज को जिस भी काम में बजट की कमी पड़ रही है कहीं पर भी पैसे की समस्या ना आने पाए, कहीं पर भी बजट के संबंध से ना आने पाए, वित्तीय संबंधित समस्याएं उनको पूरी तरह से खत्म किया जा सके और इसी वजह से कहीं ना कहीं अनुपूरक बजट सरकारें लाती हैं। और उसी दिशा में ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अनुपूरक बजट आज ला रही है जिसके माध्यम से जैसे कि आपने भी बताया कि कई हजार जो टैबलेट लाए जाने हैं उनके माध्यम से और कहीं ना कहीं एक्सप्रेसवेज अयोध्या ये तमाम ऐसी प्रमुख चीजें हैं जिसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह से योगी सरकार कुताही नहीं चाहती और किसी भी तरह से बजट की कमी की वजह से काम रुके या काम बाधित हो इस तरह की स्थिति ना बने। लिहाजा अनुपूरक बजट में उन तमाम वर्गों का ध्यान रखा जाना है, उन तमाम चीजों से जुड़ी हुई चीजें जहां पर बजट की कमी की वजह से कोई भी दिक्कत ना आए, उनकी उसकी वजह से कोई भी विकास कार्य रुके नहीं, ये सुनिश्चित आज इस अनुपूरक बजट में जरूर किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम।